हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई देखने वाले हैं। जी हाँ, हम सिर्फ अच्छी बातों पे फोकस करते हैं, लेकिन वार्निंग साइंस को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो यही हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग ऑलरेडी चैनल मेंबर्स हैं, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है आपको प्रॉपरली वीडियोस की, तो आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑफ करके फिर उसे ऑन कर लो, ठीक है? लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे अबाउट दिस कनेक्शन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, पेशेंस, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, आपकी एनर्जी देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। होप, पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल विथड्रॉल, एंड जो ओवरऑल आप दोनों की ही एनर्जी है वो है लव बिगिंस। वाह, जो कि एक ब्यूटिफुल एनर्जी है। ओके, आपकी बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकती है 8/7/17, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सक 1 भी हो सकती है आपकी, और आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 1/3/14/5। ओके, देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चीज़ कॉमन है, आप दोनों जो फील कर रहे हो ना अबाउट दिस कनेक्शन, एक चीज़ कॉमन है जो बहुत आप दोनों में एक मेजर चेंज जो आया है वो है पेशेंस का, कंट्रोल का, सेल्फ कंट्रोल का। आप दोनों अपने अपने तरीके से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो गए हो। पहले आप दोनों बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, अपना कंट्रोल खो देते थे इमोशनली, लेकिन आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो गए हो, विच इज़ रियली गुड थिंग। अगर ऐसा है, सच में ये बहुत अच्छी बात है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों ने ही इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी होप नहीं खोई है। आपने अभी भी अपने मन में कहीं ना कहीं आप जानते हो कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि इस वक्त सब सही नहीं है। ओके, तो आपके अंदर एक एक कश्मकश चल रही है, वेर आपका दिल कहता है कि सब कुछ सही होगा, आपके फीलिंग्स आप जानते हो, इस पर्सन का प्यार आप जानते हो, सो देर इज़ अ नोइंग आपके अंदर, बट कभी कभी आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। ओके, आपके इमोशंस पे आपका बस कभी कभी नहीं रहता है, और वहीं आप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल पाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि इस वक्त ना आप खोए हुए नज़र आ रहे हो, मुझे काफ़ी लॉस्ट नज़र आ रहे हो। आपको किसी से कनेक्ट होने की इमोशनली इस वक्त इच्छा नहीं हो रही है सिवाय इस पर्सन के, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने काफ़ी होल्ड इन करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया है। ओके, एंड मुझे लगता है कि इस वक्त भले ही दिल से आप थोड़े दुखी हो, पेन में हो, आप फ्यूचर को लेकर इस पर्सन के साथ काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हो। ओके, काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, तो आपका एक अगर देखा जाए ना, बस आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके ऑन योर साइड। ओके, एंड जो आपकी होप है, मैं डेफिनेटली विश करती हूँ कि आपकी होप सही निकले, एंड इसका एक रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि सब्र रखोगे, फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देखिए, सब कुछ ठीक होने का मतलब ये होता है कि हमारे लिए जो सही है वो होना। सब कुछ ठीक होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि गलत इंसान के साथ भी हम जुड़ जाए। नो, यूनिवर्स कभी वो अलाउ नहीं करेगा कि गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ या उसके साथ यूनाइट हो जाओ। जब तक वो पर्सन प्यूरिफाई नहीं होता है, जब तक वो पर्सन अपने लेसन्स नहीं सीख लेता है, दूरियाँ रहती है, बरकरार रहती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो होता है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। आपके पर्सन वेयरएज मुझे इस वक्त उनकी जो एनर्जी है ना, वो है एक इक्वल गिव एंड टेक की। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जितना वो दे रहे हैं उतना उन्हें वापस मिले, या जितना आप दे रहे हो उतना ही वो आपको वापस दे पाए। दे वॉन्ट इक्वल बैलेंस इन दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एंड आगे बढ़े कनेक्शन में। एंड वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी आप यू बोथ आर ऑन इक्वल पेज राइट नाउ। आप दोनों एक दूसरे से चाहते हो टू होल्ड हैंड्स एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो ना फ्यूचर को लेकर विद दिस पर्सन, वैसे ही ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर भी कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई जैसे ही कार्ड्स को करूँगी हमें समझ आ जाएगा क्या है। बिकॉज उन्हें लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं आपको। अगर दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है। एंड वो बस उन्हें बस किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी बात का अगर फ़र्क पड़ता है तो वो आप है। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या रिएक्ट करोगे। बट मुझे बहुत ही जल्द इन फ्यूचर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, न्यू ब्रांड बिगनिंग होते हुए दिख रही है। और आप दोनों के इच्छा से होगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे दो हाथ है। एक हाथ है आपका और एक हाथ है आपके पार्टनर का। यू बोथ आर गिविंग योर लव टू ईच अदर एंड एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई, अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत इम्प्रूवमेंट आई है आपके रिलेशनशिप स्टेटस में। मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आपको बस होप रखना है एंड नेगेटिविटी नहीं देनी अपने कनेक्शन को किसी भी तरह से। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। Why is emotional withdrawal here? Knight of Pentacles. और एक कार्ड चाहिए मुझे, क्यों है emotional withdrawal? Nine of Wands. देखिए, आप ना बहुत अफेक्ट होते हो जो भी ये पर्सन करते हैं, कहते हैं, इनके एक्शंस, इनके If they don't say a word also ना, आप काफ़ी अफेक्ट होते हो। इनके साइलेंस से भी आप काफ़ी अफेक्ट हो जाते हो, ओके। तो इतना अफेक्ट नहीं होना यार, ठीक है। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने डिसीजंस हैं, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे 10 of Cups है। वाह, लेट्स सी आपके पार्टनर की के जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो क्यों आए हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी क्यों है? मुझे लगा था बहुत ही ये रीडिंग जो होगी, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं,
कड़वी सच्चाई। मुझे लगा था कि बहुत कुछ खुलासे होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी। आई एम ग्लैड काफ़ी अच्छी एनर्जी है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की वो है टू ऑफ वॉन्ट्स। और बताइए डिवाइन, आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड? ओके, डेथ। पेशेंस क्यों है? ओके, यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ट्स। और बताइए डिवाइन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस के बारे में और बताइए डिवाइन, फाइव ऑफ वॉन्ट्स। और बताइए, और एक कार्ड चाहिए मुझे लास्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में जो आपको नहीं दिख रहा है, तो अभी थोड़े से धमाके होंगे इस रीडिंग में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिग्निफिकेंट साइंस आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन सबसे पहली है लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड बाकी तो सारे ही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि हमारा रिश्ता उस स्पीड से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। सब कुछ इतना स्लो क्यों है? मेरे पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे दूर है, तो वो इतना वक्त क्यों ले रहे हैं एक डिसीजन लेने में, या एक उन यू नो इनके जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जितना वक्त बढ़ रहा है ना, टिक टॉक आगे, जितना एक एक मिनट आगे बढ़ रहा है ना, चाहे इस पर्सन से दूर हो आप या नहीं हो, जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, जो आप चाहते हो, जितना देरी से वो चीज़ें हो रही है ना, आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर की नेगेटिविटी, सब कुछ बढ़ रहा है। लाइक विथ ईच टिकिंग मिनट आपके मन में एक एक नेगेटिव ख्याल आते जा रहा है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप पेशेंस तो आप में बहुत आ गया है पहले से ज़्यादा, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। जब भी आपको कुछ चीज़ परेशान करे ना, बस आप मेरी ये बात अपने आप को याद दिलाइए कि हर वक्त हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप एक चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हो कि आप अपने दिल में, अपने दिमाग में, हाँ नेगेटिविटी आ रही है आपके मन में, लेकिन उतनी ही पॉजिटिव भी मुझे आप दिख रहे हो, क्योंकि आपके मन में बस फिक्स्ड है कि मुझे इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना है, एंड दैट्स इट, ना कम ना ज़्यादा। यू वॉन्ट टू मैरी देम, यू सी योर सेल्फ मैरिंग देम, आप उनके साथ शादी होते हुए, फैमिली बनते हुए, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव देते हुए देख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। आप अगर ये चीज़ें मैं विजुलाइज कर रहे हो ना, आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कीप डूइंग इट, ओके। जस्ट एक पागलपन मत बनने दो उस चीज़ को, एक बैलेंस्ड रखो, ठीक है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस दिमाग में आपके 2400 घंटे यही चलते रहता है कि मैं और वो साथ है, हमारी शादी हो गई है, एंड ये एंड वो। आई डोंट से दिस इज़ रॉन्ग, बट ओवरडू मत करो उस चीज़ को, ठीक है। एक लिमिट में रहना चाहिए। थिंक अबाउट इट, ठीक है। कीप डूइंग योर वर्क्स इन योर लाइफ, जो भी काम आप करते हो। आई ऑल्सो सी कि आपने होप तो रखा है, विच इज़ रियली गुड, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्ट्रांग भी रहना है इमोशनली, हर तरीके से, ठीक है। अपने आप को फ्रॉम टाइम टू टाइम ना दिलासा देते रहो, अपने आप को पैट योर बैक कि ओके, इट्स ओके, चलता है, रिश्ता है। मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स मैसेज करते हैं कि कुछ भी हो जाए ना, छोटा बड़ा, वो मुझे मैसेज करते हैं, दी उसने तो मुझे अनब्लॉक कर, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने तो मेरा कॉल ही नहीं उठाया, मैंने उसको कल इतने मैसेजेस करे, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया। गाइज, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। अब ऐसे लोगों को मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, मैं बस उनको बोलती हूँ होप रखो। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बोला ना आपको कि सम थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, दूसरे के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपको नहीं पता। सो आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ अंदेशा लगा सकते हो कि हाँ
उसको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, वो तो आगे बढ़ गया है, वो तो मुझे ब्लॉक कर रहा है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, बट वॉट्स गोइंग बिहाइंड इज़ यू नो दैट इट्स समथिंग दैट यू डोंट नो. सो प्लीज़ अपने मन में कोई भी अनशंट ख्याल मत लाओ एंड कीप योर सेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग हेडेड बनो. ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट मन में आ रहा है उसको हटा दो अपने दिमाग से. एंड कोई भी ना नेगेटिविटी मत रखो इस पर्सन को लेकर कि वो आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगी, वो आएगी तो मैं उसको अच्छी उसकी क्लास लेने वाला हूँ. नो, डोंट डू दैट. ओके, फिर उससे ना आप अपने रीयूनियन को और यू नो योर पोस्टपोनिंग इट, सैबोटेज कर रहे हो आप. मन में कड़वाहट मत रखो. ठीक है, देखिए आप एक इंसान से या तो नफरत कर सकते हो या तो प्यार कर सकते हो, एक साथ दोनों फीलिंग्स नहीं रख सकते, राइट? सो इधर गिव देम लव और गिव देम हेट. एंड हेट भी मत दो यार, मैं तो बोलती हूँ अगर आपको नहीं पसंद है सर्कमस्टांस जो भी है, जस्ट लीव दैट कनेक्शन. ओके, गर्ल बेफिजूल की उनको नेगेटिविटी मत दो, क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा कुछ सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं दैट यू डोंट इवन नो अबाउट. ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ना, अब उनकी फीलिंग्स की बात करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. जो लोग एक वक्त पे उनके साथ थे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके दोस्त हो, कोई थर्ड पार्टी हो, एनीवन, जो उनके साथ थे ना वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं. ओके, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट ये अभी टारगेटेड है काफ़ी ज़्यादा. स्पेशली मुझे लगता है इनके वर्क सिचुएशन में, अगर ये बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, समथिंग इज़ गोइंग इन दैट फील्ड. ठीक है, तो उसका भी स्ट्रेस है इस पर्सन पे, और वो हर चीज़ को मैनेज करने की काफ़ी 100% या 110% अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं. अगर आप उनकी फैमिली आपके खिलाफ हो गई थी तो वो बहुत कोशिशें करके उनकी फैमिली का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं. अगर आपकी फैमिली उनके खिलाफ हो गई थी तो दे आर डूइंग समथिंग जिससे कि वो अपने खोए हुए इमेज को एक पॉजिटिविटी में बदल सके. ओके, देखिए मुझे लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, हर तरीके से दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ यू नो सिचुएशंस जो जिससे वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. एंड जो भी कर रहे हैं ना, उनके मन में आप हो, जो भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली इश्यूज में स्ट्रगल कर रहे हो, दे आर डूइंग अ लॉट. वो अपने तरफ से 110% दे रहे हैं. सो आप यहाँ पे उनको नेगेटिविटी मत दो किसी भी तरह की. एंड आई थिंक एक वक्त ऐसा आने वाला है बहुत ही जल्द आपके कनेक्शन में जहाँ पे आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, आई डोंट नो ये सपोर्ट किस तरह का है, मे बी उनके फैमिली के अगेंस्ट, मे बी उनके करियर में, मे बी उनके फ्रेंड्स के अगेंस्ट. यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फॉर दैट. एंड आपको यही यहाँ पे बोला जा रहा है, सिर्फ होप रखने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा ताकि आप इस पर्सन को वक्त आने पर सपोर्ट कर सको. ठीक है, क्योंकि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, मे बी इन कमिंग 3 months. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ तक की है, आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इनको लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. ओके, या सिचुएशन पास्ट में ऐसी बन गई थी जिसके चलते यू हैव बीन, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, या तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया है पास्ट में, बोल दिया है, कर दिया है, जो विच कैन नॉट बी टेकन बैक. ठीक है, एंड देखिए दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको. मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है फ्रॉम देयर एनर्जी, या मे बी देयर सोशल मीडिया, एनीथिंग. एंड उन्हें लगता है कि अभी वो सही टाइम नहीं है जहाँ पे मैं उसे अनब्लॉक करूँ, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं उनके पार्टनर उनको अनब्लॉक करें. ओके, फ्रॉम देयर सोशल मीडिया और देयर लाइफ, देयर एनर्जी. लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यू नो, जैसे मैंने सुबह की भी एक रीडिंग डाली थी, आपने अगर नहीं देखी है जाके उसको देखिएगा. दिस पर्सन फिनिशिंग टच हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो लास्ट मोमेंट नेगेटिविटी हटाई जा रही है ज़िंदगी से. ठीक है, उनके मन में था या मे बी आपके मन में है, समथिंग लास्ट मोमेंट इज़ गोइंग ऑन यहाँ पे. एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में जो सब कुछ बदल देगा. ओके, सो आपको अगर ऐसा लगता है कि ब्लॉक करके ये पर्सन बहुत खुश है, नो दे आर नॉट. ये पर्सन खुद को सजा दे रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि आई डोंट सी देम बीइंग हैप्पी. वो वहाँ पे चुपचाप है लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है. ओके, सो डोंट वरी. आप अगर पेन में हो ना, ये पर्सन भी उतना ही पेन में है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपके लाइफ में
अगर कुछ मायने रख रहा है तो इस वक्त यही है, आपका पूरा फोकस यहाँ पे है, लेकिन उनका फोकस उनके करियर पे, उनके फैमिली पे एंड अदर सिचुएशंस में भी है. सो दे आर मल्टी टास्किंग इन अ वे इमोशनली. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो ना फ्यूचर को लेकर, ये पर्सन भी काफ़ी कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं और उनका भी मेन फोकस है टू गेट बैक टू यू. सेम लेवल पे उन्हें आना है जहाँ से दे ड्रॉप्ड आउट. ठीक है, जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ रिश्ता वहाँ पे वो आना चाहते हैं, सेम लेवल पे वहाँ से रिज्यूम करना चाहते हैं चीज़ों को. एंड दैट इज़ उनका फर्स्ट एम, वही है वो. वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका फोकस है टू गेट बैक टू यू, टू गेट बैक ऑन योर गुड टर्म्स. ठीक है, आई वुड बी यूजिंग अनदर डेक टू चेक ऑन देयर एनर्जी, और थोड़ा सा उनकी एनर्जी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर या क्या माइंड सेट रहेगा उनका. लेट्स सी, अभी तक अगर आपको लगा है कि हाँ मेरे साथ रेजोनेट हुई है एनर्जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फॉर द यू नो जो भी कर रही हो काम उसके लिए. ओके, लिसन, ट्रस्ट, होपलेस एंड हेल्पलेस. एंड जो लास्ट कार्ड है वो है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड. ओके, एंड बॉटम डेक में है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. तो यहाँ पे जो नंबर आए हैं, जो आपके पर्सन का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, 1, 2, 8, 9. ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आने वाले समय में ना या तो उनके अंदर जो भी गलत धारणाएं हैं या जो एक उन्होंने आपको लेकर जो एक कुछ कंसिडर कर लिया है अपने मन में, जो सोच लिया है, या तो ये उसे चेंज करने वाले हैं, या तो आपके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको लेकर बन चुकी है, नेगेटिविटी, बिटरनेस, वो उसको हटाने की अपनी 100% कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है. वो चाहेंगे कि आप बस उनकी बात सुनो, समझो एंड उन पे ट्रस्ट करो. मुझे आने वाले समय में ये पर्सन बड़ी हिम्मत करके, बड़ी ही ज़्यादा हिम्मत करके, लाइक विथ ज़ीरो एनर्जी आपको अप्रोच करेंगे. एंड दे विल बी लाइक, लिसन टू मी, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे को लेकर बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, जो भी है, जस्ट लिसन टू मी वंस. एंड फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ट्रस्ट करना है या नहीं करना है. आई सी दैट कमिंग. ओके, एंड बड़ी ज़्यादा ये पर्सन, मतलब दे दिल खोल कर, चीर कर बस आपके सामने रख देंगे. बहुत एक्सप्रेस होते हुए दिख रहे हैं इंटेंसली. एंड फिर आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप क्या डिसीजन लेते हो. ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगेगा इन द फ्यूचर कि आप डिज़र्व करते हो सच्चाई, कि क्या हुआ, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, या क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, या क्यों उन्होंने फैमिली की साथ दी, या क्यों उन्होंने दोस्तों की बात मानी, एनीथिंग दैट दे डिड, जो भी उन्होंने गलत किया है, वो ये फील करेंगे दैट यू डिज़र्व टू नो द ट्रूथ. ठीक है, एंड वो ट्रूथ जानना इज़ द नीड ऑफ रिलेशनशिप एट दैट मोमेंट. ओके, यहाँ पे लिसन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. यस, जहाँ पे भी ये पर्सन कम पड़े हैं रिलेशनशिप में देने के लिए किसी भी तरह से, सॉरी यहाँ पे मेरे एकदम आंखों के सामने फ्लाई आ गया था, मैं एकदम डर गई, मेरे को लगा ये क्या आया. तो जहाँ पे आपके पर्सन कम पड़े हैं किसी भी तरह से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, या मे बी उन्होंने, उनको पास्ट में लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए मेरी फैमिली के सामने नहीं स्टैंड ले पाऊँगा, या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या मैं कुछ बन नहीं पाऊँगा, यू डिज़र्व मच मोर, बेटर देन मी, जो भी नेगेटिव सोच रहे थे ना ये पर्सन, वो क्यों सोच रहे थे, उसके पीछे एग्जैक्टली उनका क्या इंटेंशन था, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. ओके, एंड दे विल वॉन्ट, एक्सपेक्ट यू टू लिसन टू देम. ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स. यस, देखिए दे वॉन्ट टू कम क्लीन नाउ. ओके, ये पर्सन आपके मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहते. एंड ये पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यू विल अंडरस्टैंड देम. ओके, क्योंकि उन्हें पता है आप जेन्युइन हो, आप ग्राउंडेड हो, आप समझदार हो, मे बी आप इस एज में बड़े हो, या मे बी आप यू नो काफ़ी मैच्योर हो, और उन्हें पता है कि यू विल अंडरस्टैंड देम. ठीक है, बाकी वो आपको फोर्स नहीं करेंगे उनकी बातों को मानने के लिए, दे विल जस्ट लेट यू
डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ओके, फिर क्या है आप डिसाइड करो, इस तरह से एनर्जी होगी. हेल्पलेस, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन, अगर आप ना भी बोलोगे इस पर्सन को किसी भी तरह से, तो दे वॉन्ट लीव यू, ओके, क्योंकि दे हैव कम टू स्टे नाउ. ओके, हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, देखिए मुझे लगता है कि इनके लाइफ में ना, इनको काफ़ी कुछ है इनके लाइफ में ऐसा, या तो ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये कुछ कुछ दोस्त है, या कुछ फैमिली इश्यूज है ना, जिस जो हमेशा तराजू में आपके साथ दूसरे साइड पे तोले गए हैं. लाइक हमेशा ही इनके लाइफ में एक अदर प्रॉब्लम होता ही है, वेदर इट बी करियर, वेदर इट बी फैमिली, वेदर इट बी फ्रेंड्स, वेदर इट बी देयर माइंड और थर्ड पार्टी सिचुएशन. तराजू में आपके साथ कोई ना कोई होता ही है एवरी टाइम. एंड आई थिंक ये जो भी थर्ड पर्सन है या सिचुएशन है ना, जितना आप इम्पॉर्टेंट हो ना, उतना ही सिग्निफिकेंट है ये थर्ड पर्सन या ये थर्ड सिचुएशन. ओके, अब मैं समझाती हूँ आपको, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मेरे दिमाग खाता रहेगा कि तुम, मैंने अच्छे से समझाया नहीं. ओके, देखिए आपके लाइफ में आपकी फैमिली है, राइट? आपके पर्सन अगर आके आपको कल बोलते हैं कि तुम्हारे फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, विल यू डू दैट? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए जितना ज़रूरी आपके पार्टनर है, उतने ही ज़रूरी, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी मे बी, या इक्वली उतने ही ज़रूरी आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, राइट? तो आप नहीं छोड़ सकते. सो ऐसा ही कुछ है इनके लाइफ में, दूसरा कुछ है. दिस माइट बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, किसी के लिए थर्ड पार्टी है, अभी इनकी वाइफ हो सकती है, उनका हस्बैंड हो सकता है, मे बी उनकी यू नो बेबी मामा हो सकती है, बेबी पापा हो सकते हैं, कोई भी, आई डोंट नो हु दिस इज़, बट ये कुछ जो भी है ना, ये दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू देम. इसीलिए अब तक जो भी हुआ वो हुआ है, बस मैं इतना ही बोलूंगी आपको, मुझे नहीं पता और क्या बोलना है. वेल डिजर्व रिवॉर्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में व्हाट्स गोइंग टू हैपन इस पर्सन को ऐसा रियलाइज होगा, या ये पर्सन आपसे कह भी सकते हैं कि जो सेपरेशन हुआ ना हम दोनों के बीच में, या ये जो दूरी आई वो ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे ग्रो करने के लिए, मुझे हील करने के लिए, कुछ लोगों की सच्चाई मेरे सामने आने के लिए ये सेपरेशन ज़रूरी था, या तुम्हारी वैल्यू मुझे समझने के लिए ये ज़रूरी था. ओके, एंड जो भी उसके पीछे का इनका इंटेंशन है वो टिक हो चुका है. लाइक अगर इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, ज़ीरो वैल्यू थी, तो अब इनको इस सेपरेशन के चलते आपकी वो वैल्यू समझ आ गई है. सो दे हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस सेपरेशन. हाँ उन्हें हर्ट हुआ, हाँ उन्हें मुश्किल झेलनी पड़ी, हाँ वो इमोशनली आपको मिस कर रहे थे, या जो भी हुआ है इमोशनल लेवल पे, बट उससे कुछ अच्छा हासिल भी हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवाइजेस. आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, लेट्स सी. स्टेप इनटू योर पावर, मैंने आपको ये पहले ही बोला, लेट मी, ओके, मैंने आपको क्या बोला, अपने पावर में आना है आपको. ओके, कम इनटू योर पावर, आप बहुत स्ट्रांग हो, ओके, और आप अपने स्ट्रेंथ को भूल चुके हो, आप अपने अंदर के स्ट्रांग इंसान को कहीं ना कहीं खो चुके हो. सो अंडरस्टैंड दैट. एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन अप टू चेंज. तो जो भी चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ, बी ओपन टू दैट. ओके, एंड जो लास्ट है आपके लिए डिटॉक्सिफाई. तो जो भी आपके अंदर बाहर आसपास नेगेटिविटी है उसको हटाओ, दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड. एंड यहाँ पे आपको सेल्फ लव कहने के लिए वक्त निकालने के लिए कहाँ जा रहा है. सेल्फ लव करने के लिए देखिए वो करिए जो आपको खुशी देता है. सेल्फ लव कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कॉन्शियसली अपने आप को खुश करते रहना है आपको. सेल्फ प्लीजिंग बन जाओ, खुद को खुश रखो, खुद को जितना हो सके प्रोटेक्टेड रखो, ठीक है.
सो या दैट वॉज इट. आई होप कि ये रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी अबाउट योर कनेक्शन, क्या होने वाला है, क्या क्यों हुआ, जो भी है. रीडिंग अगर पसंद आई है, मेरी मेहनत को आप अगर सराहना चाहते हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दो. एंड बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेरे आप बाकी भी चैनल्स हैं, उनको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू. एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो.